दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्टर के विषय में जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसके अंदर का पूरा सिस्टम क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो इन तीनों क्वेरियों को इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा होता है वह एक स्विचिंग डिवाइस होती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में यदि हम समझें, जैसे देखिए हमारी ये, जैसे कि हमारी ये एक एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका हम देखिए इस तरह से हम इसको ऑन कर देते हैं और फिर ऑफ कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी सर्किट को या मान लीजिए मोटर को या किसी भी चीज़ को अगर हमें ऑन कराना है तो हमें एक बीच में एक मध्यस्थता की जरूरत पड़ेगी, एक बीच में एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी कि जिससे हम उस मोटर को बंद कर सके। अगर आप डायरेक्ट लाइन से आप उसको जोड़ देंगे कि जैसे कि अगर आप देखें कि जैसे मान लीजिए यह हमारी एक मोटर है, ठीक, यह मोटर है और सीधे आपने थ्री फेज दे दिया तो यह मोटर हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, यह बंद नहीं होगी। अगर आपको बंद करने की जरूरत है तो आप कैसे बंद करेंगे, बंद ही नहीं कर पाएंगे और यह लगातार हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम मोटर को बंद कर सकें और आवश्यकता अनुसार चला सकें, उसके लिए हम एक बीच में एक स्विचिंग डिवाइस लगाते हैं, एक स्विच लगाते हैं। तो वह स्विच हमारी एमसीबी भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है। लेकिन हमारी जो एमसीबी है, जैसे मान लीजिए हमारी ये एक एमसीबी है, तो इस एमसीबी को हमें हम सर्किट में लगा तो देंगे, इससे हमारी मोटर ऑन ऑफ तो हो जाएगी, लेकिन यह एक मैनुअल सिस्टम हो जाएगा। हमें हर बार मोटर को चालू और बंद करने के लिए इसकी नॉब को इस तरह उठाना पड़ेगा और इसकी नॉब को हमें इस तरह गिराना पड़ेगा, तो जिससे हमारी मोटर चल पाएगी और बंद हो पाएगी। इस समस्या को दूर करने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, यह एक कॉन्ट्रैक्टर है। तो कॉन्ट्रैक्टर यह केवल और केवल क्या करता है कि हम किसी भी सर्किट को या किसी मोटर को रिमोट से, दूर से हम चालू और बंद कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जब हमें चलाना हो तो हम दूर से उसको चालू कर सकते हैं और दूर से हम उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन एमसीबी में क्या होता है कि उस एमसीबी के पास आकर के हमें उसे बंद और चालू करना पड़ेगा मोटर को। तो यह एक एडवांटेज होता है कॉन्ट्रैक्टर में, हम दूर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वह है कि कैसे कार्य करता है। तो आइए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर हमारा कैसे कार्य करता है। कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा होता है वह देखिए इस तरह से, यहाँ पर देखिए A2 यहाँ पे लिखा हुआ, ये A2 है, ये देख लीजिए, यह हमारा A2 है, एक कॉयल का सिरा है, और ये हमारा A1 है, एक कॉयल का सिरा है। तो इन्हीं दोनों पर हम फेस और न्यूट्रल, अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वह उसकी कॉयल वोल्टेज कितनी है, ठीक है, जैसे कि कॉयल वोल्टेज आप अगर देख पाएं, ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 230 वोल्ट, अगर आप देख पा रहे हो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉयल वोल्टेज लिखी हुई होती है। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारे जो हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर है इसकी जो कंट्रोल सप्लाई है वह कितनी है, कि यहाँ पर इन दोनों कॉयलों पर हम जी कितनी वोल्टेज दें जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन ऑफ हो जाए, ठीक। दोस्तों, कंट्रोल सप्लाई का पावर सप्लाई से कोई लेना देना नहीं होता है, दोनों सर्किटें अलग अलग होती हैं। जो कंट्रोल सप्लाई होती है वह सिंगल फेज भी हो सकती है और दो फेज की भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा पावर सप्लाई होती है वह हमेशा हमेशा थ्री फेज की ही होती है। इसलिए कंट्रोल सप्लाई हमेशा, हम कंट्रोल सप्लाई को इसलिए यूज करते हैं कि कंट्रोल सप्लाई से हमारा कॉन्ट्रैक्टर को हम रिमोट के माध्यम से दूर से चालू और बंद कर सकते हैं, जिससे हमारी मोटर आसानी से चालू और बंद हो जाएगी। तो अब आइए जानते हैं कि देखिए यहाँ पर हम सप्लाई अगर हम देते हैं तो यह कॉन्ट्रैक्टर इस तरह से चालू हो जाएगा, देखिए यह इसे दब जाएगा और दब जाने से यहाँ पर ऐसे ये दब जाएगा और यहाँ से सप्लाई यहाँ पर चली आएगी। अगर आप इस कंडीशन में देखते हैं तो इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होगी और जैसे ही ये ऐसे दबता है तो यहाँ से यहाँ सप्लाई पास हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है हमारा, इसके ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों, देखिए ये चार पॉइंट ये बने हुए हैं जिसमें देखिए L1, L2, L3 ये तीनों फेज के लिए हैं, ठीक है, और ये हमारा NO कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर देखिए T1, T2, T3 ये आउटपुट के लिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों सामान्य कंडीशन में NO होते हैं और जब यह कॉन्ट्रैक्टर को हम सप्लाई दे करके इसी कंट्रोल सप्लाई से इसी कॉयल को हम एनर्जाइज करते हैं तो यह इस तरह से ऑन हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पर लगाइए आप तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा,
ये देखिए कॉन्टिन्यूटी बता रहा है। अगर हम इसको इस तरह दबा दें, ये देखिए कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया। देखिए ये बता रहा है कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी हो गई। देखिए इस तरह से अभी नहीं बता रहा है, ये देखिए हमने दबाया, ये देखिए बताने लगा। ठीक है, ये देखिए अभी ये नहीं बता रहा है, इस तरह से बताने लगा। मतलब ये हुआ कि जब हम इनके दोनों सिरों पर हम जब सप्लाई देते हैं तो यहाँ से यहाँ सप्लाई ये पास कर देता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम एक रिले इस तरह से हम लगा देते हैं जिससे हमारी मोटर ऑपरेट हो जाती है। अब आइए हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉन्टैक्टर है, अब हमने इसको खोल दिया है। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, यहाँ पर ये देखिए हमारी कॉयल है। इस कॉयल को हम चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये हमारी कॉयल हो गई। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, और 276 वोल्ट 60 हर्ट्ज पर यह कॉन्टैक्टर हमारा काम करेगा। ये हमारी एक कॉयल हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर भी सब कुछ लिखा हुआ होता है सारी चीज़ें। ये देखिए इसमें मेन चीज़ें क्या होती है, ये देखिए ये कोर है दोस्तों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, यह कॉयल तो ही है हमारी, जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है, और वह मैग्नेट से यह जो हमारी कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाती है। तो यह जो कोर है यह आधा हिस्सा है, और आधा हिस्सा ये होता है, ये देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, चिपकते हैं, और जिससे कि हमारा कॉन्टैक्टर जो है यह जो हिस्सा है यह ऑपरेट होने लगता है। ठीक है, इस तरह से यह ऑपरेशन होने लगता है। ठीक है, ये सिलिकॉन स्टील की बनी हुई ये कोरे हैं। ठीक है, ये कई पत्तियों में बनाई जाती हैं जिससे कि इसमें एडी करंट लॉस कम हो। ठीक, तो यह है दोस्तों, इसके अंदर कुछ बहुत कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि सिंपल ये हमारी कॉयल है। इस कॉयल से यहाँ बीच में जब यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं दोनों सिरों पर, तो यहाँ बीच में मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इस मैग्नेट की वजह से ये कोर जो है ये मैग्नेटाइज हो जाती हैं, और इस मैग्नेट वाली कोर की वजह से इस वाली कोर को ये अपनी ओर खींचती है, जिससे यह कॉन्टैक्टर हमारा ऑपरेशन करने लगता है। बस इतना प्रिंसिपल होता है पूरे कॉन्टैक्टर का। ये देखिए दोस्तों, इसके यहाँ पर ये दो स्क्रू लगे होते हैं, इन दोनों स्क्रूओं को अगर आप टाइट कर देंगे तो ये हमारा कॉन्टैक्टर इसी तरह से आप इसको लगा सकते हैं, ये बंद हो जाएगा हमारा कॉन्टैक्टर। ठीक है, इस तरह से आप इसको टाइट कर दीजिए, और इस वाले हिस्से को भी आप इस तरह से टाइट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्टर रेडी हो गया। ठीक है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर पीछे देख लीजिए, यहाँ पर ये चैनल बना हुआ होता है जहाँ पर हम चैनल में इस कॉन्टैक्टर को फंसा सकते हैं, जिससे ये फिक्स हो जाएगा पूरा कॉन्टैक्टर। ये दोस्तों इसकी कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है, वो भी आइए जान लेते हैं। देखिए ये सीमेंस कंपनी कॉन्टैक्टर, देखिए लिखा हुआ एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर है ये। ठीक है, इसका ये 3TF30 इसका मॉडल नंबर है। ठीक, ये देखिए इसका जो इसमें बता रहा है कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है इसमें एक है, जो कि वो NO है। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए 400-415 वोल्ट पे ये चार, ये जो है हमारा कॉन्टैक्टर 5.5 किलोवाट या 7.5 HP के बीच में हमारा कॉन्टैक्टर को हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कॉन्टैक्टर क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया, कैसे ये काम करता है, इसके अंदर का क्या पूरा सिस्टम होता है वह आप जान गए, और इसका उपयोग क्यों हम करते हैं। तो इसका उपयोग हम केवल इसीलिए करते हैं कि कॉन्टैक्टर से हम मोटर को रिमोट के थ्रू ऑन और ऑफ कराने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।